बच्चों, मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, उसकी जो शुरुआत की जाती है वो हमेशा नेट प्रॉफिट से की जाती है या फिर नेट लॉस से की जाती है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो नेट प्रॉफिट निकालता है वही नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसमें से बाद में अप्रोप्रिएशन कर दी जाती है, और अप्रोप्रिएशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। उस प्रॉफिट को डिविजल प्रॉफिट कहा जाता है। क्लियर बच्चों? तो ये देखिए, ये है नेट प्रॉफिट की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो थी नेट प्रॉफिट की एंट्री। अगर नेट लॉस होगा तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री होती है वो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, या एंड की जगह हम कहें और नेट लॉस, या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। अब बात करते हैं बच्चों अप्रोप्रिएशंस की एंट्रीज की। तो सबसे पहले अप्रोप्रिएशन, जैसे आप मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसकी एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स को दिया जाता है तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करिएगा, फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट क्रेडिट करिएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो ये होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। फिर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया जाता है, जिससे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो डेबिट हो जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो ये एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की, और ये एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने की। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं बच्चों पार्टनर सैलरीज की। ये भी एक अप्रोप्रिएशन होता है। तो जब पार्टनर सैलरीज प्रोवाइड की जाती है तो पार्टनर सैलरीज अकाउंट डेबिट हो जाता है और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। लॉजिक इसका भी सेम है कि जब पार्टनर्स को सैलरी मिलती है तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, एज अ रिजल्ट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करिएगा, नहीं तो करंट अकाउंट को क्रेडिट करिएगा। ये तो गई एंट्री सैलरी प्रोवाइड करने की। अब जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल के क्लोज किया था, तो पार्टनर सैलरीज को भी हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल के क्लोज करते हैं, और एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरीज अकाउंट। क्लियर बच्चों? तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी अप्रोप्रिएशन पार्टनर को प्रोवाइड किए जाएंगे तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उनकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन जब उन अप्रोप्रिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल के क्लोज करेंगे तो वो खुद क्रेडिट हो जाएंगे और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों पार्टनर्स कमीशन की। जब पार्टनर्स कमीशन दिया जाता है पार्टनर्स को, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, और कमीशन मिलने से जब कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए जाएंगे, और अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट क्रेडिट किए जाएंगे, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए जाएंगे, और पार्टनर्स कमीशन अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाएगा। क्लियर बच्चों? और पार्टनर्स कमीशन को भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल के क्लोज किया जाता है, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और पार्टनर्स कमीशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो ये जितने भी अप्रोप्रिएशंस होते हैं, जब इन्हें प्रोवाइड किया जाता है तब ये डेबिट होते हैं, और जब इन्हें क्लोज किया जाता है तो ये क्रेडिट होते हैं। और जितने भी अप्रोप्रिएशंस हैं इनको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल के क्लोज किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अप्रोप्रिएशंस को जब पीएनएल प्रॉफिट डालते हैं तो इससे अप्रोप्रिएशन जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, और प्रॉफिट कम होता है तो वो डेबिट होता है। दैट्स द रीजन वाई पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्लियर बच्चों? अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हर चीज पार्टनर को दी ही नहीं जाती है, कुछ ऐसी चीज भी होती है जो पार्टनर से ली जाती है, और वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब पार्टनर से चार्ज किया जाएगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उनकी कैपिटल कम हो जाती है। तो जब उनकी कैपिटल कम हो जाती है तो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट जो हैं वो डेबिट हो जाएंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन की कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के क्रेडिट होने का लॉजिक ये होता है कि इट्स एन इनकम फॉर द फर्म, और इनकम एज पर रूल क्रेडिट हुआ करती है। और जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट को क्लोज किया जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब क्लोज की जाएगी तो कोई भी इनकम जब क्लोज की जाती है तो वो डेबिट हो जाती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम बढ़ रही है इसलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो ये एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने की फ्रॉम द पार्टनर्स एंड इट्स क्लोजिंग बाय ट्रांसफरिंग इट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखिएगा, इट्स एन इनकम फॉर द फर्म एंड एक्सपेंस फॉर द पार्टनर।
प्रॉफिट सा कुछ पैसा जो है रिजर्व में भी ट्रांसफर किया जाता है, सारा कुछ पार्टनर में नहीं बांटा जाता है। तो अगर कोई रिजर्व क्रिएट किया जाएगा तो पिनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वो रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और रिजर्व क्रिएट करने से अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कम हो रहा है, इसलिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और रिजर्व एक अपने आप में एक प्रॉफिट है जो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द एंट्री ऑफ क्रिएटिंग रिजर्व, जनरल रिजर्व कह सकते हैं या कोई भी रिजर्व बनाया जा रहा हो, ये एंट्री उसकी होती है। अब फाइनली जो प्रॉफिट बचता है उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, और डिविजिबल प्रॉफिट जब पार्टनर में बांटा जाएगा तो वो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, एज ए रिजल्ट पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे और अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस उनका डिविजिबल लॉस है तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात याद रखिएगा, या तो डिविजिबल प्रॉफिट होगा या डिविजिबल लॉस होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगी, और इनको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा।